यूपी में महिलाओं के लिए अहम खबर है। अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक उनसे ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी बिना महिला के परमिशन के बिना रात के वक्त उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। अगर ऐसा होता है तो सीधे कार्यवाही होगी। अगर कोई महिला शाम 7 के बाद काम करने से मना करती है तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने कहा है कि लिखित सहमति के बाद ही महिला शाम 7 से सुबह 6 के बीच काम कर सकती है। उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक भी हो सकती है। चंद्रा ने आगे कहा है, इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री में शाम 7 के बाद काम करती है। ऐसे में अगर कोई महिला शाम 7 के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती तो प्रबंधन उसको रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि सरकार के इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को होगा। अनुमान है कि यूपी में करीब 5 लाख से ज्यादा महिलाएं शाम 7 बजे के बाद काम करती हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाओं का काम रात के 11 बजे तक या उससे पहले खत्म हो जाता है, लेकिन नाइट क्लब, बार, होटल और कॉल सेंटर पर लड़कियां पूरी रात काम करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। इससे सुरक्षा का खतरा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।